तो दोस्तों मेरे पास आप देख सकते हो कि मेरे पास जो मोबाइल है जो कि F220B का है, मैं इसको कैसे किस तरीके से रिपेयर करता हूँ वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। दोस्तों आप मॉडल नंबर चेक कर सकते हो। दोस्तों फिलहाल मैं अभी आपको बता देता हूँ, फ़ोन अभी चालू कंडीशन में है। देखिए मैं आपको चार्जिंग भी लगा कर दिखा देता हूँ कि ये चार्ज हो रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों जियो का लोगो आ गया है। दोस्तों आप देख सकते हो, लेकिन ये चार्ज तो हो रहा है, यानी कि चार्ज तो शो कर रहा है, बट ये जो आपका जो परसेंटेज जो दिखाई दे रहा है ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं वही मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ स्किप ना कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि मेरे पास जो जियो का मोबाइल है, दोस्तों मैंने जियो का मोबाइल को पहले से ओपन कर रखा है ताकि आपका टाइम कोई वेस्ट ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम देख लेते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से आप इसको रिपेयर करोगे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम है। तो किस तरीके से हम रिपेयर करेंगे, देखिए फ्रेंड्स मैं इसको जैसे ही पुट करता हूँ तो आप देख सकते हो इसका जियो लोगो तो आ जाता है, यानी कि ये चार्जिंग तो डिटेक्ट कर रहा है, बट ये क्या हो रहा है इसमें कस्टमर का कहना है कि इसमें फुल चार्ज नहीं हो रहा है, यानी कि कोई परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो हम इसको किस तरीके से रिपेयर करते हैं देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज सही आ रहा है या नहीं। तो पहले तो मैं मीटर को वोल्टेज रेंज पर सेट करके रखता हूँ, फिर हम वोल्टेज को मेज़र करते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि वोल्टेज है 4.0.4। तो दोस्तों इस बैटरी को चार्ज होने के लिए आपको सफिशेंट जो वोल्टेज होना चाहिए यानी कि 4.2 होना चाहिए, या फिर आपको जो वोल्टेज होना चाहिए 4.5 या 4.7 होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों कोई आईसी वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो वोल्टेज आ रहा है, यानी कि वोल्टेज तो आ रहा है बट इसका जो एम्पियर है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है, यानी कि जब ये फ़ोन तो चार्ज हो जाएगा बट क्या होगा इसकी बैटरी फुल नहीं होगी। तो इसको एक छोटी सी ट्रिक है हम आपको बता देते हैं। देखिए अगर आपके पास फ़ोन फ्रेश कंडीशन में और कोई भी काम करा हुआ नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा काम करा हुआ है, मैंने देखा पूरा एनालाइज किया कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों जब इसमें मैंने देखा कि इसमें सब कुछ तो ठीक है बट क्या हुआ था, ये जो मोबाइल है चार्ज नहीं ले रहा था, यानी कि चार्ज तो हो रहा था बट मैंने इसका जैक वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया था, लेकिन जैक करने से चेंज कर भी दिया लेकिन क्या हुआ, जैसे ही जैक चेंज किया तो मैंने क्या किया कि मुझे पता चला कि ये चार्ज तो हो रहा है बट क्या हो रहा है परसेंटेज इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो मैंने इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों कभी भी ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, आपको पहले देख लेना है कि जो आपकी जो सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं, यानी कि सब कुछ कंपोनेंट अपनी जगह पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हो ये अपना डायोड लगा हुआ है, कैपेसिटर, ये सब कुछ यहाँ पर होना चाहिए, तो उसके बाद ही आपके पास ये ट्रिक काम करेंगे, अदरवाइज़ आपके पास ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो क्या कीजिए, आप सबसे पहले आप कीजिए कि मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ये जो आपका एक गोल्डन कलर का साइन दिखता है यहाँ पर जैसे इस तरीके का, आपको क्या करना है यहाँ से लेके जंपर करके आपको ये वाले डायोड के पास में आपको कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो आपकी जो फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है वो सोल्व आउट हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको जंपर करके बता देता हूँ कि किस तरीके से आप जंपर करते हो। वीडियो को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड इस तरीके से आपको जंपर करना है। दोस्तों ये 100% टेस्टेड वीडियो है, प्रो लेवल यानी कि बहुत सी बेसिक सी लेवल की चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों कि आप जो आईसी आप सोचते हो कि आईसी बदलना पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है अगर आपकी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हो तब।
जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जंपर कर लिया है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आप देख सकते हो इसका जो जंपर हमने किया है, यहां पर एक पॉइंट है, यानी कि ये जैसे जो आपको छोटा सा डॉट दिख रहा है गोल्डन कलर का, वैसे सेम यहां पर गोल्डन कलर डॉट था, मैंने इसके जो डायोड के ये पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व आउट हुई है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पहले तो वोल्टेज को मेज़रमेंट कर लेते हैं कनेक्ट करने से पहले। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है और फ़ोन को कनेक्ट करा है, और जैसे ही हम क्या करते हैं वोल्टेज को मेज़रमेंट करते हैं, तो आप देख सकते हो वोल्टेज तो उतना ही बता रहा है, लेकिन क्या हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर एम्पियर्स आना चालू हो गए हैं, यानी कि जो यहाँ का करंट का जो एम्पियर्स होता है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने मेज़रमेंट कर लिया है, अब हम देख लेते हैं कि हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम बैटरी को लगा देते हैं और फिर हम चार्ज कनेक्ट करके देखते हैं हमारा फ़ोन चार्ज होता है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा जो परसेंटेज है 66% है, यानी कि अभी हमारा फ़ोन हम देखते हैं कि हमारा परसेंटेज इंक्रीज़ होता है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा परसेंटेज इंक्रीज़ हो गया है, यानी कि हमारा अभी जो मोबाइल है वो 67% है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से आप जो फेक्ट चार्जिंग प्रॉब्लम्स आती है आपको, आप इसी वे में ठीक कर सकते हो कि हमने किस तरीके से हमने फेक चार्जिंग प्रॉब्लम का सोल्व आउट किया है। दोस्तों का बहुत शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, ये भी आप खुद ब खुद कर सकते हो, कोई भी कर सकता है दोस्तों। कि अगर आपको बोला जाए कि आईसी वगैरह चेंज करना है दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, जंपर कर देना है डायोड से लेकर उस वाले पॉइंट तक, तो आपकी जो प्रॉब्लम है F220B की जो प्रॉब्लम है ये सोल्व आउट हो जाएगी 100%। दोस्तों, मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं आपके साथ जो रियलिटी है जो वही बताता हूं। तो इस वीडियो को जरूर जरूर से लाइक कीजिए और दोस्तों साथ ही साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही है कि किस तरीके से हम इसको ठीक करेंगे, तो वही मैं आपको बताया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।